आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आपके एससी वर्मा के बुक में ये वॉल्यूम 2 में है, ठीक है? हाँ सर, ओके सर। तो आप लोग एससी वर्मा वॉल्यूम 2 खरीद लो, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा, और ये एक चैप्टर नहीं, कंप्लीट सेक्शन है। सेक्शन है मीन्स एससी वर्मा बुक में 5 चैप्टर में ये डिवाइडेड है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। पहला चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा कैलोरीमेट्री, चौथा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पांचवा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और छठा हीट। 6 चैप्टर में डिवाइडेड है, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत लंबा काम है। तो चलो एनीवे, सबसे पहले हीट। हीट किसको कहते हैं बताओ, स्कूल में थोड़ा बहुत फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी भी है फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल भी है, मैकेनिकल, मतलब ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बट सर, इट इज द एनर्जी प्रोसेस बाय द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मैग्नेटिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले वर्क पावर एनर्जी पढ़े हैं, मैकेनिकल एनर्जी देखा उसमें। तो ये वो जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग काइनेटिक पोटेंशियल कुछ देख रहे थे, उससे ये डिफरेंट कैसे है? अगर डिफरेंट नहीं होता तो उसी में पढ़ लेते ना। सर, वो एक्सटर्नल काइंड ऑफ मैकेनिकल और ये इंटरनल एनर्जी होता है थोड़ा सा। सर, इसमें यहाँ पे इंटरनल वर्क डन होता होगा। सब लोगों ने पढ़ा है ना यार, बुक में स्कूल में लिखा रहता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रैंडम मोशन ऑफ। Which flow from object at higher temperature to lower temperature। ऐसा कुछ पढ़ते थे हम लोग। हाँ सर। कहीं कहीं बुक में देखते होंगे, स्कूल में लिखा रहता था इट्स अ एनर्जी इन ट्रांजिट। ये कोई ऑब्जेक्ट है किसी टेम्परेचर पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है किसी टेम्परेचर पर, तो अगर ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा है तो एनर्जी का फ्लो ए से बी की ओर होता है, ठीक है? हाँ सर। और ये एनर्जी का फ्लो जिस फॉर्म में होता है उसको हीट कहते हैं। इस फॉर्म को हीट कहते हैं। अगर किसी बुक में देखा लिखा देखो होगे तो एनर्जी इन ट्रांजिट, तो ये सब बात का मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 लीटर ऑफ वाटर
90 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके पास एनर्जी कितनी है? तो बता सकते हो? सर एक बार फॉर्मूला पढ़ने के बाद बता सकते हो? कौन सा फॉर्मूला? सर एक बार पढ़ने के बाद बता सकते हो? समझाई नहीं, तुम लोग नहीं बता सकते हैं उसको। एक लीटर वाटर के पास, वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके पास कितनी एनर्जी है ये हम नहीं बता सकते, कितना भी पढ़ ले। लेकिन वही एक लीटर ऑफ वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पर दूसरे किसी एक लीटर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस को कितना एनर्जी देगा ये बता सकते हैं? ओके सर। मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज एक्चुअली एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मटेरियल बॉडी। हीट क्या है? हीट इज नॉट एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी मटेरियल बॉडी, रादर इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना? हाँ सर। जैसे अगर मान लो मैंने किसी को 100 रुपए दिए, या 100 रुपए दिए, या मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, राह चलते किसी को मैंने पार्ले जी दे दिया खरीद के, तो ये जो पार्ले जी है ना, ये एक्सचेंज ऑफ मनी है, अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। मैंने किसी को 200 रुपए का पार्ले जी खरीद के दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास 200 रुपए है। समझे मेरी बात? मेरे पास कितने पैसे हैं नहीं पता, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इस बात से। सो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये एक्चुअल। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मतलब कि पैसे के बदले मैंने पार्ले जी दिया, और सपोज पैसा को अगर हम एनर्जी कहते हैं, तो ये एक पैसे का फॉर्म हुआ ऐसे समझो। तो समझे मेरी बात? हाँ, तो हाँ, जैसे ए और बी है, ए का टेम्परेचर टी ए है, बी का टेम्परेचर टी बी है, ए और बी दोनों साथ आ गए, तो साथ आने के बाद दोनों कॉमन टेम्परेचर पर आ गए, तो ए बी को कितना एनर्जी दिया पता चल गया। लेकिन ए के पास कितनी एनर्जी है मालूम नहीं, बी के पास कितनी है मालूम नहीं, ए और बी के बीच एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ ये मालूम है। तो वो ट्रांसफर जिस फॉर्म में हुआ है उसको हीट एनर्जी कहते हैं। मतलब इनिशियल एनर्जी हमें पता नहीं रहेगी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पता चल रही है। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, जिस फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, उस फॉर्म को हम लोग हीट कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो ध्यान से देखा जाए तो हीट एनर्जी का फॉर्म नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है। क्लियर है? हाँ। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच एनर्जी का फ्लो जो होता है, ये उसका फॉर्म है हीट। इसका एसआई यूनिट तो जूल ही होता है, बट सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। ठीक है? हाँ सर। मोस्टली हीट को कैलोरी में ही यूज करते हैं। और जूल को मोस्टली मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूज करते हैं। बट हाँ, यूनिट दोनों ही एक ही है।
क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम लोग हीट एनर्जी के लिए कन्वेंशनली कैलोरी को यूज करते हैं। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये जो टर्म है आपका 4.18, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। दिख रहा होगा, वन कैलोरी ऑफ हीट, वन यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज 4.18 यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यही मीनिंग हुआ ना? तो दिस 4.18 वी कॉल इट एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। बुक में देखोगे कैपिटल जे लिखा रहता है ना? आगे बढ़े। हाँ सर, लिख चुके हो सर? दो सेकंड, लास्ट पार्ट। यस सर, नोटेड। सर एक मिनट सर। डन सर, हो गया? हाँ सर। टेम्परेचर किसको कहते हैं? सर इट हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। Sir, it is a physical quantity which
tells us about the hotness and coldness of the body. तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरिंग degree of hotness or coldness of an object ठीक है yes sir कोई भी temperature scale बनाने के लिए हम लोगों को रेफरेंस की जरूरत होगी है ना हाँ सर करीब जरूरत जैसे मीटर है लेंथ वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हाँ तो 1 meter लेंथ कितने को बोलेंगे या 1 kilometer कितने को बोलेंगे ये कभी ना कभी एक बार स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना वो एक बार स्टैंडर्डाइज हो गया उसके बाद आप मेजरिंग स्केल बना सकते हैं तो ठीक वैसे ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 चीजों को स्टैंडर्ड लिया गया एक हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट और एक लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हो गया टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स और लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट हो गया टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस इन दोनों फिजिकल फेनोमेना को स्टैंडर्ड लिया गया और क्योंकि तुम दुनिया में किसी स्केल से मेजर करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है पानी को जब बॉयल होना है तभी होगा पानी को जब फ्रीज होना है तभी होगा तो इस दोनों फिजिकल फेनोमेना को रेफरेंस लिया गया किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल को डिफाइन करने के लिए ठीक है taken as reference for all temperature measuring scales जैसे लेंथ में क्या है ये एक डिस्टेंस लिया इसको 1 meter कहते हैं तो इसके बीच नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाते जाएंगे तो अलग अलग स्केल मिलता जाएगा लेकिन एज फार एज लेंथ इज कंसर्न 1 meter दुनिया की किसी स्केल से मेजर करेंगे उतना ही होना चाहिए ना हाँ सर तो दो 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 फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है सो अब सपोज इस लोअर फिक्स्ड पॉइंट को अगर हम 0 वैल्यू असाइन कर दें और हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट को 100 का वैल्यू असाइन कर दें तो इसके बीच 100 डिविजन्स हो गए
हाँ सर ये मतलब ये रहा मेरा लोअर फील्ड पॉइंट और ये रहा मतलब अपर फील्ड पॉइंट, तो ये एक स्केल बन गया, इस स्केल को सेल्सियस स्केल कहते हैं। ठीक है, यही अगर इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच 180 डिवीजन है, लोअर को 32 वैल्यू दे दिया, तो 32 प्लस 180 कितना होगा? 212 होगा। तो ये एक स्केल बन गया जिसको फारेनहाइट स्केल कहते हैं। है ना? यही अगर लोअर को 273 वैल्यू दे दिया और अपर को 373 वैल्यू दे दिया और नंबर ऑफ डिवीजन इसमें भी हंड्रेड्स हैं, तो ये भी एक स्केल बन गया। यस सर, इसको केल्विन स्केल कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे कितने भी स्केल बना सकते हैं हम लोग। हाँ सर, बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच का नंबर ऑफ डिवीजन वही है, तो इसका मतलब क्या मतलब है दूसरा स्केल बनाने का? तो रीजन ये है कि जो केल्विन स्केल का जीरो होगा वो तो बहुत नीचे होगा ना। यस, तो केल्विन स्केल का मेजरमेंट अगर मैं देखूं सेल्सियस स्केल से तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। हाँ सर, तो इसका रेंज बढ़ गया केल्विन स्केल का। हाँ, आई बात समझ में? यस सर, मोर रेंज। विथ रेस्पेक्ट टू सेल्सियस स्केल, है ना। तो ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है ना वो केल्विन होता है। अब मान लो किसी एक टेम्परेचर को हमने तीनों स्केल से मेजर किया, इसमें कुछ रीडिंग सी आ गए, इसमें मान लो कुछ रीडिंग कुछ भी एफ आ गए, इसमें कुछ रीडिंग मान लो के आ गई। तो जिस चीज का टेम्परेचर मेजर किया उसको थर्मोमीटर से क्या मतलब है? वो तो रीडिंग बताएगा, है ना। तो वैल्यूज अलग अलग है लेकिन ये तीनों एक ही फेनोमेना को रिप्रेजेंट करता है। यस सर, यहां से दिख रहा है दुनिया का कोई भी स्केल हो उस स्केल में रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ये दुनिया का कोई भी स्केल हो ये कांस्टेंट ही रहेगा। है ना, कांस्टेंट मतलब तीनों। तो जैसे इस स्केल में देखो तो सी माइनस हंड्रेड सॉरी लोअर फील्ड पॉइंट जीरो, सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड, ये एफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। कोई और स्केल होता तो ऐसे ही हम लोग इसको और कर सकते थे। ये सबको 20 से हटा दो,
तो तुम लोग शायद स्कूल में पढ़े होगे c by 5 is equal to f minus 32 upon 9 is equal to k minus 273 by 5 ऐसा कुछ पढ़े हो? Yes हाँ सर पढ़े तो थे सर. ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल. तो ये तो सेल्सियस केल्विन फारेनहाइट ये तीनों का है. वैसे दुनिया में कोई भी स्केल हो तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर ही सकते हैं, है ना? हाँ जल्दी से कॉपी कर लो सर. वो लाइट ब्लू में क्या लिखा?
हो गया सर लिख के? नहीं सर अभी नहीं। यस सर हो गया। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। अटैक से ये क्वेश्चन करो। हो गया सर। चलें
हो गया होगा सबका, कुछ नहीं है इसमें? हाँ सर हो गया। क्या आंसर आया? 20 डिग्री। वेरी गुड। कोई एक थर्मोमीटर है, नहीं पता मुझे कौन सा है, और ये एक सेंटीग्रेड वाला है, तो सेंटीग्रेड वाले का तो पता है कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, और एक दूसरा है जो जिसमें इसको 20 डिग्री बोलते हैं और इसको 80 डिग्री बोलते हैं। इसमें कोई एक है जिसकी रीडिंग है 32 डिग्री, तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग इसमें रीडिंग कितनी होगी, यही पूछा है, है ना? हाँ सर। तो इसमें डिवीजन कितने हो गए? 60। इसमें डिविजन्स कितने हो गए? 100। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं 32 minus 20 upon 60 is equal to c minus 0 upon 100। हाँ सर। यस सर। 12 upon 60 is equal to c upon 100। तो यहां से मिल गया C इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। एकदम आसान था। यस सर। वैल्यूज अलग अलग था, बट ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा हुआ है, गलती से एक बार इजी क्वेश्चन पूछ गया था सर। ऐसी गलती वो लोग करते रहते क्या? जेई मेंस में कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं ये वाले। आगे बढ़े। यस सर। अब एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर पढ़े होंगे स्कूल में, कैलोरीमेट्री, सबने पढ़ा है। क्या होता है? मेजर करने के हिसाब से कि जब भी कोई हीट वाला एनर्जी वाला कोई भी एनर्जी एक्सचेंज होता है तो फिर उसको कितना एनर्जी पास ऑन हुआ एक हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, या फिर तो वाइस वर्सा। एक टोटल हीट एनर्जी गेन इज इक्वल टू टोटल हीट एनर्जी लॉस। एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम सुना है? यस सर। क्या होता है सर? लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर डिफरेंट मटेरियल का अलग होता है, वो उसका 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लाइक यूनिट मास के लिए 1 डिग्री राइज। सो दिस इज जूल पर केजी पर केल्विन, और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। Means amount of heat required to increase temperature of a 1 unit mass by 1 degree Celsius. यही मतलब हुआ ना? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, specific heat AS is dq by dt, और नहीं तो ऐसे एक ही बार लिखता हूँ। सो q इज इक्वल टू मास m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा t, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो s है यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। yes.
ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। या इसी को भी लिख सकते हैं 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं है, दिया रहता है। ठीक है, एक दूसरा टर्म है जिसको कहते हैं हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है? सर 4180 क्या स्पेसिफिक वाला तो यूनिट मास के लिए होता है और ये मास के इंडिपेंडेंट होता है। वेरी गुड, सो ये फॉर अ गिवन मास होता है ना? यस, वो क्या है, यूनिट मास के लिए होता है और ये किसी भी मास के लिए होता है। तो कॉमन सेंस से लग रहा है। कि ये जो ऊपर हमने लिखा Q is equal to m into s into delta t, इसमें से ये जो m into s है ये दोनों मिलाकर अगर हम एक टर्म कैपिटल S लिखते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा हो जाएगा? यस सर, ये है आपका हीट कैपेसिटी। ठीक है, थर्ड एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है? सर पर मोल्स के लिए होगा, पर मोल्स के लिए होता है। तो क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ये जो सी है ये हो गया जूल पर मोल पर केल्विन और कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि ये दो बातों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक टाइप ऑफ गैस और सेकेंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग। तो ये मेनली गैस के लिए यूज होता है। और ये दोनों सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। ठीक है? हाँ सर। तो इस चैप्टर में हम लोग यही दोनों पढ़ेंगे, वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लें।
सर बोलो तो अपने सी के साइन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस के नीचे क्या है प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सर हो गया लिख के हो गया हाँ अब देखो सो किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है लेकिन कभी कभी नहीं भी करता है तो इन जनरल मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिया तो उसका टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज किया उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा जरूरी नहीं है स्टेट चेंज होगा उसके बाद दोगे तो फिर इंक्रीज करेगा हीट देते रहोगे तो फिर उसका यहाँ पे एक स्टेट चेंज हो सकता है उसके बाद फिर हीट दोगे तो फिर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर सो इस प्रोसेस में ये है सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है ठीक है इस केस में ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में है और यहाँ लिक्विड गैस कन्वर्जन हो रहा है ना और यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट गैसियस स्टेट में है बात समझ आई हाँ सर अगर हम टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ही होगा यस सर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड का कन्वर्जन होगा इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे हाँ सर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस का कन्वर्जन हो रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट है yes. तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अगर आप देखेंगे
इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दो ऐसे पोजीशंस हैं जहां पर हीट तो कंज्यूम हुआ है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है ना। तो इस पोजीशन पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, हीट कंज्यूम हुआ है, और यहाँ पर इस पोजीशन पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, हीट कंज्यूम हुआ है। तो ये जो दो पोजीशन है इसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, होगा? हाँ। तो लेटेंट हीट दो टाइप के हो गए, है ना? सो याद रखने की जरूरत नहीं है, दिया रहता है। बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया रहेगा क्वेश्चन में, बट मोस्टली ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है? वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, दिया रहता है। आई बात समझ में? यस सर। ये है हीट वर्सेस टेम्परेचर कर्व। सो किसी भी सॉलिड या लिक्विड को हीट देंगे फाइनली तो दो ही बात हो सकती है, या तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी इस फॉर्मूला को ओबे करेगा, या Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट इस फॉर्मूला को ओबे करेगा। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि कौन सा कन्वर्जन हो रहा है। तो एक तो Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो सकता है, या Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो सकता है। यही तीन बातें हो सकती हैं फॉर्मूला के नाम पर। कोई डाउट नहीं? नो कॉपी कर लो उसको आकर। सिर्फ एक मिनट, ऊपर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बता सकते हैं क्या? क्या? हाँ, 1 कैलोरी। आगे बढ़ो। हाँ सर, ठीक है, इसको कॉपी करो।
हो गया सर, एक मिनट। हो गया? यस सर, डन। इसको सॉल्व करो। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम, वाटर का तो बताया था, हाँ सर, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बाकी लेटेंट हीट वगैरह तो ऊपर लिखाई है, इस सब की जरूरत होगी, कोशिश करो।
सर बोलो। सर मतलब हो ही गया लास्ट का सेट कैसा वाली स्टीम का स्पेसिफिक हाँ सर, लाइक 100 डिग्री स्टीम टू 120 डिग्री स्टीम। 120 कुछ था वो, 20 डिग्री हाँ, था। स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए ना। हाँ सर हाँ चाहिए होगा। स्टीम का भी 0.5 ही होता है। ओके सर स्टीम, थैंक यू। हाँ स्टीम और इसका सेम ही होता है। आइस और स्टीम का लगभग सेम ही होता है। हो गया क्या आंसर आया? 72,500 कैलोरी और किसी को कुछ? आया। हाँ सर 73,500 कैलोरीज। चलो चेक करते हैं। ये प्रोसेस कैसा होगा? तो पहले 100 ग्राम आइस है कितने टेम्परेचर पर? माइनस माइनस डिग्री 10 सेल्सियस पर। तो यहां से ये कन्वर्ट होगा 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हाँ फिर सर यहां से ये कन्वर्ट होगा 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, हाँ सर फिर यहां से ये कन्वर्ट होगा 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। नहीं, 100 ग्राम कितने वाटर वाटर सर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा होगा। सर और यहां से फिर कन्वर्ट होगा 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और हाँ सर फाइनली यहां से कन्वर्ट होगा 100 ग्राम स्टीम एट 120, बोला है 120 डिग्री हाँ सर सेल्सियस पर। तो एक एक करके सब में कितनी एनर्जी लगेगी देखो। इसमें एनर्जी लग जाएगी 100 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, ऐसा हाँ दैट सर इज 1000 कैलोरी इसमें लग गया। हाँ इस प्रोसेस में क्या लग जाएगा? 100 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, तो यस ये हो जाएगा सर 10,000 होगा। हाँ सर होगा नहीं, 100 ग्राम वाटर टू स्टीम है ना, गलत लिख दिया। ये 540 होगा ना, अच्छा हाँ वो यहाँ पर 90 का मास था वो इंटू, तो 54,000 कैलोरी हाँ ये आई मीन ये जो लिखा है ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले का हाँ ये है। इसका तो होगा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यस सर हाँ सर दैट इज 100 इंटू 540, तो ये 54,000 कैलोरी। हाँ सर इसके इधर हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये 8,000 कैलोरी होगा। यस सर हाँ सर इधर हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, यस सर ये हो जाएगा 500 कैलोरी। सो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री
क्यू फोर क्यू फाइव इस सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हीट मिलेगा। हाँ सर है ना, तो टोटल हीट इन सब का सम होगा। तो 55 55 और 10, 65 65 और 8 कितना होगा? 73,500 है ना? Yes sir. So 73,500 कैलोरी या 73.5 किलो कैलोरी, ये आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। और वो तो सबको मालूम है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस को कैलोरीमीटर कहते हैं। है ना, तो वो क्या पढ़ाऊं सबको तो आता ही है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देता देता हूं। तो उसको पढ़ाता नहीं हो थ्योरी, वो फालतू चीज है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही उसको सीख लेंगे अगर किसी को कोई डाउट होगा तो। ये जस्ट दिया है रिकैप करने का प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री को। जो कि स्कूल में पढ़ चुके हो तुम लोग है ना, बोलो। हाँ सर। जल्दी करो फिर।
चलो हो गया, एक मिनट। हो गया सर, क्या आंसर आया? सर मुझे 12.73 डिग्री सेल्सियस आया। और किसी को कुछ आया? वो सेम ही कुछ नहीं होगा सर, ये दोनों का सही है, 140/11 ना? यस सर, हाँ दोनों का सही है। आगे बढ़े हैं? यस सर, सबको आ गया या बताने की जरूरत है? टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेज ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड ए बी सी 10, 15, 20, टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इन 13, तो ए और बी, ए कितने पर था? 10 पर, और बी कितने पर था? 15 पर। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हीट का फ्लो इधर से इधर होगा, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस, यही है? हाँ सर, हाँ। तो कॉमन सेंस है, मास ऑफ बी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इनटू 15 माइनस 13 इज इक्वल टू मास ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इनटू 13 माइनस 10। यस, दोनों का मास इक्वल है, है ना? तो दोनों का मास अगर इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, ये मिल गया। यस सर, दूसरे में है, जब बी और सी को मिक्स करते हैं तो 16 होता है, है ना? रुक जाओ, सेकेंड पार्ट में बी और सी को मिक्स करते हैं,
तो 16 होता है। तो अब क्या है, ये बी है और ये सी है। बी इनिशियली था 15 डिग्री सेल्सियस पर, सी इनिशियली था 20 डिग्री सेल्सियस पर। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो 16 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा है। सो मास ऑफ बी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इनटू 16 माइनस 15 is equal to mass of C into a specific heat capacity of C into 20 minus 16, ऐसा होगा? Yes. Mass of B is equal to mass of C. So specific heat capacity of B is 4 times specific heat capacity of C, ऐसा मिल गया? Yes, sir. अब बोला है कि A और C को mix किया, है ना। ए किस टेम्परेचर पर है, 10 पर, है ना। और सी किस टेम्परेचर पर है, 20 पर। तो अब मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए टी माइनस 10 इज इक्वल टू मास ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी 20 माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं। यस हाँ सर। सो मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ सी, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इनटू टी माइनस 10 is equal to a specific heat capacity of C 20 minus T. Yes. होगा? हाँ सर। Specific heat capacity of A और C में क्या फर्क है? तो A को मैं 8/3 A को मैं लिख देता हूँ 2/3 specific heat capacity of B और C को लिख देता हूँ 1/4 specific heat capacity of B। हाँ सर। यस ये यहाँ से लिखा और ये यहाँ से लिखा, है ना। हाँ सर। ये दोनों कैंसिल हुआ तो 4 × 8 टाइम्स टी माइनस 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 20 माइनस टी। सो 80 माइनस 80 is equal to 60 minus 3t, ये इधर आ गया। So 11t is 140, so t is 140 upon 11 degree Celsius answer. सबको समझ आया, आसान था? हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ, क्लास 9th-10th के जैसा ही है अभी तक। कॉपी कर लो जिस किसी को करना है। सर बोलो सर, हो गया।
हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। इसको कोशिश करो। डेटा जहाँ चाहिए वो ऊपर वाले क्वेश्चन में जितना था वो सब है। एसटीएम का कितना होता है, इसका कितना होता है, सब मालूम है आपको। ठीक है, कोशिश कीजिए। यस सर।
बोलो। सर एक मिनट, डायरेक्ट करेंगे तो 9 पॉइंट के बारे में, पर फिर वो लेटेंट भी है। क्या चाहते आ हो? रहा है इन दोनों को मिक्स किया हाँ सर। तो ये पहले क्या बनेगा? ये बनेगा 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यस फिर इसके बाद कन्वर्ट होगा 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर। इसमें मुझे मिल गया 100 × 540, दैट इज 54,000 कैलोरी हीट यहां मिलेगा, हाँ सर। और 100 × 1/2 × 20 तो 1,000 कैलोरी यहां मिलेगा। हाँ सर। ये भाई साहब क्या करेगा? ये 300 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस से, अच्छा 500 500 है, तो ये 500 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस से 500 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा पहले, तो है ना। इस प्रोसेस में इसको कितनी एनर्जी चाहिए? तो 500 × 1 × 80 कितना हो जाएगा? 4,000 कैलोरी चाहिए इसको। 40,000 ना, क्या? हाँ 40,000। 40,000 एक और दियो, तो इसको 40,000 कैलोरी चाहिए। हाँ सर। तो ऐसे समझो ऐसे समझो, देखो कुछ भी होगा, टेम्परेचर इन दोनों का 80 to 120 के बीच ही होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहीं पर मुझे 55,000 कैलोरी हीट मिल गया हाँ सर। और यहां पर 40,000 कैलोरी हीट ही चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए। यस सर। तो कॉमन सेंस से एक बात समझ आती है कि ध्यान से समझो, यही समझाने के लिए देखो डबल स्टार लगाया था मैंने, कि ये प्रोसेस तो पूरा हो गया। इस प्रोसेस में 100 ग्राम से थोड़ा कम स्टीम भी कंडेंस कर दे करता तो इस हीट को मैच कर जाता, हाँ सर। है ना। मतलब फाइनल मिक्सचर में पूरा का पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। यस हाँ तो मिक्सचर में स्टीम और वाटर दोनों रहेंगे फॉर श्योर। सर। तो अगर ये श्योर हो गया,
द मिक्सचर विल कंटेन बोथ स्टीम एंड वॉटर तो इसका मतलब क्या है कि किस टेम्परेचर पर स्टीम और वाटर दोनों को कोएग्जिस्ट कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हाँ सर तो फाइनल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा हाँ सर अच्छा तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से कि दिस 40,000 इज इक्वल टू 1,000 प्लस मास m इनटू 540 मान लिया मैंने कि m अमाउंट ऑफ मास स्टीम ही कंडेंस होकर वाटर बना सर वहां पे आपने 80 क्यों लिया टेम्परेचर के लिए वो 100 और 80 है ना तो 20 रहेगा ना डेल्टा टी कहां पर बेटा 40,000 कैलोरी का ओ हाँ 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 सही बोला ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10,000 आंसर क्या मैच हो रहा है तो ये 10,000 होगा तो ये 10,000 होगा मतलब 9,000 is equal to 540 m so mass m is 9,000 upon 540 कितना होगा 50/3 kg शायद ग्राम हाँ सर तो इतना steam is condensed in water तो मिक्सचर में अब मेरा वाटर कितना हो गया 100 प्लस 50/3 500 था ना वाटर 500 सो 500 प्लस 50/3 1550 तो इतना ग्राम वाटर हो गया और स्टीम कितना बच गया 100 minus 50 by 3 ग्राम तो ये मेरा फाइनल मिक्सचर हुआ हाँ सर यस और फाइनल मिक्सचर कितने पर हुआ तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ तो पूरे स्टीम को कंडेंस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी क्लियर है हाँ सर ठीक है इसको कॉपी कर लो आज के लिए इतना ही लिख लिया सबने नो सर यस ठीक है जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो ठीक है मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बाय या बाय थैंक यू सर बाय सर